हे हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले ICAI का मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो हर CA फाउंडेशन इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि आज CA इंटरमीडिएट एंड फाइनल का एग्जाम है तो वो स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट बताओ उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाले बटन उसे प्रेस कर देना ताकि CA एग्जाम रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट अनाउंसमेंट या नोट्स आप मिस ना कर सके। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ CA फाउंडेशन इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट आ रहा था और मुझे हर बार कमेंट कर रहे थे, सर प्लीज़ बता दीजिए कि जो आंसर शीट होगा उसको किस तरह फिलअप करना है। नाउ ध्यान से देखना वीडियो एंड तक देखना, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला है। इस तरीके का आपको इस तरीके का आप सभी को एक आंसर शीट प्रोवाइड किया जाएगा, इसको आपको फिलअप करना होगा। अब फिलअप कैसे करना है वो बताता हूँ, इन डीप एंड एंड तक देखना। यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना होगा आपका, इन वर्ड्स सर, लाइक मान लीजिए 6,22,000 इस तरीके का आपका रोल नंबर है तो रोल नंबर पूरा लिखना। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते कैंडिडेट सिग्नेचर आपको देना पड़ेगा, अपना सिग्नेचर। और उसके बाद रोल नंबर वाला जो सेंटर है इसमें आपको जो भी रोल नंबर है पूरा रोल नंबर लिखना। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से याद रखना, ब्लैक देख सकते यूज़ ओनली ब्लू ब्लैक पेन पॉइंट पेन, तो यहाँ पे आपको पेन यूज करना है। बट आप पूछ लेना सेंटर में इन्विजिलेटर से कि सर पेन यूज़ करूँ पेंसिल यूज़ करूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट पेन यूज करते हैं। अगर हाँ यहाँ पे वन लिखा है तो यहाँ के सेंटर में ही वन पे सर्कल करना, यहाँ टू लिखे हो तो यहाँ के टू पे करना। ये नहीं कि जो भी रोल नंबर है आपको पूरा इसी लाइन में टिक कर देना। आई होप आपको समझ रहा होगा। अगेन एक और वीडियो बनाया है इसके ऊपर जो मैंने इन हैंड रिटन पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाया, उसको भी एक बार चेक कर सकते हैं आप। आई होप आपको समझ रहा होगा। यहाँ पर रोल नंबर लिखेंगे, उसके नीचे जो जितने भी नंबर्स दिए हैं उन नंबर्स के ऊपर आपको सर्कल करना होगा। अब आ जाइए लेफ्ट साइड में, यहाँ पे एग्जामिनेशन जो लिखा है, यहाँ पे अगर आप इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हो तो यहाँ पे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन लिखाएगा, फाइनल के हो तो फाइनल एग्जामिनेशन ग्रुप नंबर। लाइक आप CA इंटरमीडिएट ग्रुप वन का पेपर देने जा रहे हो, CA इंटर ग्रुप टू का देने जा रहे हो, CA फाइनल ग्रुप वन या CA फाइनल ग्रुप फोर, जो ग्रुप टू जो भी आपका होगा ग्रुप नंबर लिखना पड़ेगा, पेपर नंबर। लाइक आज CA इंटरमीडिएट का अकाउंट का पेपर है तो पेपर नंबर वन होगा सिंपली, सब्जेक्ट अकाउंट है आपका अकाउंटिंग लिख देना। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ आंसर्स यूज मेन, अगर आप आंसर शीट यूज़ करते हैं तो वो ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लाइक आपने टेंथ में भी किया है ट्वेल्थ में भी किया है। अब याद रहे इस वाले जगह पे आपको कुछ नहीं करना है, फॉर यूज़ बाय ICAI ओनली। हाँ यहाँ पे आप चाहे तो कर सकते हैं, आपको टिक करना रहता है, बट ये आप पूछ लेना वहाँ पे कि आपने क्वेश्चन नंबर वन में कौन सा क्वेश्चन अटेंड किया है, क्वेश्चन नंबर टू में कौन सा अटेंड किया है, क्वेश्चन नंबर थ्री में फोर में फाइव में सिक्स में एट में जो भी हो। और उसके बाद आपको कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो आप इसे भी फिलअप मत करना, आप पूछ लेना, आपको गाइड किया जाएगा, पूरा गाइड आपको एग्ज़ाम सेंटर में पूरा गाइड किया जाएगा। इंपॉर्टेंट था बस ये आपके लिए कि इसे फिलअप कैसे करना है। आई होप आपको समझा होगा। इनकेस आपके माइंड में कोई डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और कोई भी मिस्टेक मत करना एग्ज़ाम में। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर CA इंटरमीडिएट फाइनल फर्स्ट सब्जेक्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, इनकेस कोई डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अभी भी टाइम है।